गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड ईयर के चैप्टर 1 विद्युत चुंबक की तरंगों में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के एग्जांपल्स को आगे स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने लगभग 16 एग्जांपल्स स्टडी किए हैं। आज हम डिफरेंट ग्रुप के नाइट्रोजन क्रियात्मक समूह वाले कंपाउंड को आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से कैसे पहचाना जाता है, कैसे डिटेक्ट किया जाता है, इसको स्टडी करेंगे। हम एग्जांपल के रूप में लेते हैं 2-nitropropane। ये हमारे पास 2-nitropropane है। इसमें कौन सा ग्रुप है? देखिए, यहाँ मेथिल ग्रुप है, यहाँ मेथिल ग्रुप है, और ये वाला कौन सा ग्रुप है? नाइट्रो, जिसमें एक ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ में डबल बंद से जुड़ा हुआ है और एक ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ में कोऑर्डिनेशन बंद से जुड़ा हुआ है। कोऑर्डिनेशन बंद में हम नाइट्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होने के कारण ऑक्सीजन पे आंशिक माइनस चार्ज और नाइट्रोजन पे आंशिक प्लस चार्ज के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसमें किस प्रकार के कंपन होंगे। देखिए, हमें दो बैंड प्राप्त होते हैं। एक बैंड हमें प्राप्त होगा सिमेट्रिक यानी सममित कंपन के कारण, एक बैंड सिमेट्रिक यानी सममित कंपन के कारण, और दूसरा बैंड असिमेट्रिक असममित कंपन के कारण होगा। सिमेट्रिक कंपन में ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है, इसलिए इसका फ्रीक्वेंसी बैंड यानी अवशोषण बैंड कम फ्रीक्वेंसी पे आएगा, और असममित कंपन में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका अवशोषण बैंड अधिक फ्रीक्वेंसी पे आएगा। जो सममित कंपन है वो आ रहा है 1380 सेंटीमीटर की घात -1 पे, और असममित कंपन आ रहा है 1570 सेंटीमीटर की घात -1 पे। अब ये दो तरह के कंपन क्यों आ रहे हैं? आप एक तो हम ये देखते हैं प्रकृति, नाइट्रो ग्रुप एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप है। इस इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप के कारण और नाइट्रो के साथ जो ये एल्किल समूह वो जुड़ा हुआ है, इस एल्किल समूह से इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। अब देखिए, ये जो हमारे पास दो बैंड आ रहे हैं, एक आ रहा है 1300 से 1400 के बीच में ये वाला, और एक आ रहा है 1500 और 1600 के बीच में ये वाला, ये दो बैंड हमें क्यों प्राप्त हुए हैं? ये दो बैंड हमें इस नाइट्रोजन और इस ऑक्सीजन की बंद के कंपन के कारण प्राप्त हुए हैं। कौन से कंपन? तनन कंपन। तनन कंपन किस प्रकार के? एक सिमेट्रिक और एक असिमेट्रिक तनन कंपन के कारण। जो सिमेट्रिक है उसके कारण 1300 से 1400 के बीच में, और जो असिमेट्रिक यानी असममित है उसके कारण 1500 से 1570 के बीच में। यानी कि ये जो पहली वाली सार पीक है ये आई है किसके कारण? सममित कंपन के कारण, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो बंध है उसके सममित कंपन के कारण। और ये जो दूसरी वाली पीक आई है ये किस लिए आई है? ये आई है असममित कंपन के कारण। ये एग्जांपल आया आप लोगों को समझ में? इसी प्रकार हम अगर नाइट्रोजन के और एग्जांपल लें, जैसे हम लेते हैं नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स को हम साइनो भी कहते हैं। इसमें हम देखेंगे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन इसमें क्रियात्मक समूह के रूप में रहता है। जैसे अगर हम लें प्रोपीन नाइट्राइल, यानी कि मैथ, देखिए पहला वाला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तीन कार्बन है, तो मैथ एच प्रोप से प्रोप, ठीक है। और इसमें साइनाइड है, इसलिए इस साइनाइड ग्रुप किस तरफ से जुड़ा हुआ है? कार्बन की साइड से, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस ग्रुप को हम साइनो ग्रुप भी कहते हैं। अब इसमें हमें जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का अवशोषण बैंड प्राप्त होगा वो कितनी फ्रिक्वेंसी पे प्राप्त होगा? देखिए, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बंद है, जैसे कि हमने कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बंद का उदाहरण देखा था, उसमें 2150 सेंटीमीटर की घात -1 पे आया है। यहाँ कार्बन के साथ में नाइट्रोजन है, यानी कि कार्बन से की तुलना में नाइट्रोजन का भार ज़्यादा होता है,
तो भार ज़्यादा होने के कारण फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। तो ये हमारा 2150 की जगह 2100, तो 2100 से 2200 के बीच में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के लिए पीक आएगी। अब हम इसको देखते हैं किस तरह से ये पीक आ रही है। ये देखिए बिल्कुल एक 2250 कह सकते हैं, 2250 के लगभग ये एक पीक आई है। अब 2250 के लगभग ये पीक क्यों आई है, क्योंकि इस साइनाइड के साथ में जो एल्किल ग्रुप है, ये एल्किल ग्रुप साइनाइड की तरफ प्लस आई इफेक्ट भी प्रदर्शित करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होने होती है और कार्बन की कम होती है, इसलिए इन दोनों की विद्युत ऋणता में अंतर भी पाया जाता है। ये एग्जाम्पल है हमारा नाइट्राइल्स का। देखिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ये एक क्वेश्चन है, द स्पेक्ट्रम इन 4S सबस्टेंट। ये हमें केमिकल फॉर्मूला दिया गया है, कार्बन 3, हाइड्रोजन 5 और नाइट्रोजन, ये वाला फॉर्मूला, ये हमें फॉर्मूला दिया है, ठीक है। इस फॉर्मूले वाले कंपाउंड की हमें पहचान करनी है किससे, IR स्पेक्ट्रा से। IR स्पेक्ट्रा कहाँ दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है, ये नीचे जो दिया गया है ये IR स्पेक्ट्रा है। अब देखिए IR स्पेक्ट्रा में क्या है, एक हमारे पास ये इस IR स्पेक्ट्रा में 1400 से 1500 के बीच में ये पीक आ रही है, तो ये पीक किसके लिए आ रही है, एल्किल ग्रुप के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़, 1600 सेंटीमीटर के आस पड़ोस में एरोमेटिक कंपाउंड के लिए जो पीक आती है वो यहाँ नहीं है, वो पीक यहाँ नहीं है, यानी कि ये कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि एलिफेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक के लिए किस तरह की पीक आती है 1600 के आजू बाजू में, इस तरह की आनी चाहिए। अब इस तरह की पीक तो यहाँ कहीं नहीं आ रही है, तो यानी ये एलिफेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। दूसरी चीज़, ये वाली पीक देखिए, ये वाली पीक जो आ रही है 2300 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आ रही है, तो 2300 सेंटीमीटर की घात -1 पर जो पीक आती है तो कौन सा ग्रुप हो सकता है, या तो वो नाइट्रिल ग्रुप होगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और अगर कंपाउंड में नाइट्रोजन नहीं है तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन यानी कि नाइट्रिल या एल्काइन ग्रुप होगा। इसके बाद जो आ रहा है हमारे पास, ये 3000 पे एक पीक आ रही है, 3000 पे ये जो पीक आती है ये एलिफेटिक हाइड्रोजन के लिए आती है ना। तो यानी कि हमारे पास कौन सा कंपाउंड, हमारे पास फॉर्मूला था C3H5 और एक नाइट्रोजन, तो हमारे पास ये कंपाउंड निकल के आया CH3CH2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये कंपाउंड निकल के आया है हमारे पास C3H5N का। इस कंपाउंड को आप ध्यान से देखिए, इस कंपाउंड को हम किस तरह से हमने आइडेंटिफाई किया है। क्वेश्चन में हमें ये फॉर्मूला दिया गया है कि इस कंपाउंड में 3 कार्बन हैं, 5 हाइड्रोजन हैं और एक नाइट्रोजन है। साथ में हमें ये IR स्पेक्ट्रो का ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ की पीक देख के हमें ये पहचानना है कि कौन कौन से कंपाउंड, इस कंपाउंड में कौन कौन से क्रियात्मक समूह हैं या कौन कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं। मैं आपको दोबारा बता दूं कि देखिए यहाँ 1600 पे जिगजैग जो इस तरह से पीक आती है ना, वो नहीं है, वो नहीं है, यानी कि ये कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, ये कंपाउंड एलिफेटिक कंपाउंड है, क्योंकि एरोमेटिक वाली पीक नहीं है। दूसरी चीज़, 1450 के आजू बाजू में ये पीक आई है जो कि एल्किल ग्रुप का होना प्रदर्शित करती है। यहाँ 2300 पे ये पीक आई है, 2300 पे पीक आई है, और अगर नाइट्रोजन है साथ में तो नाइट्राइल ग्रुप होगा, और अगर नाइट्रोजन नहीं है तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ग्रुप होगा। इसी प्रकार ये 3000 पे पीक आ रही है जो कि एल्किल हाइड्रोजन को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार हम कंपाउंड का पता लगा सकते हैं, कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला देख के, और साथ में हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का ग्राफ देख के किसी अज्ञात कंपाउंड की स्ट्रक्चर यानी संरचना को ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। अब अगर हम इफ़ेक्ट देखें कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पे किसी कंपाउंड की केमिकल संरचना का क्या प्रभाव पड़ता है ना, तो अगर हम ध्यान से इसको देखें तो देखिए कंजुगेशन का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर कंजुगेशन यानी रिजोनेंस है, जैसे ये वाला जो कार्बोनिल ग्रुप है ये इस
बेंजीन के पाई बंद के साथ कंजुगेशन में है। कंजुगेशन में होने से कार्बन ऑक्सीजन के बीच के जो बंद सामर्थ्य वो कम हो जाती है, तो इसलिए इसकी पीक आएगी कम पे। और ये वाला जो कार्बनल ग्रुप है ये इस बेंजीन के साथ कंजुगेशन में नहीं है, कंजुगेशन में नहीं होने के कारण कार्बनल ग्रुप अपनी अलग से पीक देगा और वो अपनी नॉर्मल अवस्था में आएगी। नॉर्मल अवस्था में कार्बोनिल ग्रुप की पीक कितने पे आती है, 1715 सेंटीमीटर की घात -1 पे। तो अगर कोई क्रियात्मक समूह कंजुगेशन में होगा, कोई डबल बंद अगर कंजुगेशन में है तो उसका डबल बंद का सामर्थ्य कम होगा, और कंजुगेशन में नहीं है तो उसका सामर्थ्य बढ़ जाएगा। ये चीज़ आपको आई समझ में? ठीक है। दूसरा चीज़ है स्टेरिक इफ़ेक्ट। स्टेरिक इफ़ेक्ट से क्या हो जाएगा, अब देखिए स्टेरिक इफ़ेक्ट होने से क्या होगा। देखिए इसमें स्टेरिक इफ़ेक्ट नहीं है तो इस कार्बोनिल ग्रुप के पाईबंद और इस पाईबंद के बीच में अनुनाद यानी रिजोनेंस आसानी से हो जाएगा। ठीक है। लेकिन इस ग्रुप में मैथिल का स्टेरिक इफ़ेक्ट है तो इसके स्टेरिक इफ़ेक्ट के कारण इस कार्बोनिल ग्रुप और पाईबंद में किसी प्रकार का अनुनाद नहीं हो पाता है, और ये अनुनाद जब नहीं हो पा रहा है तो डबल बंद कार्बन डबल ऑक्सीजन के बीच डबल बंद का सामर्थ्य अधिक होगा, और सामर्थ्य अधिक होने के कारण इसकी पीक ज़्यादा पे आएगी। यानी कि कोई इस प्रकार की स्टेरिक इफ़ेक्ट या त्रिविम में बाधा जो कि दो बंदों के कंजुगेशन यानी अनुनाद होने से रोकती है तो अनुनाद नहीं हो पाता है तो बंद सामर्थ्य बढ़ता है। बंद सामर्थ्य बढ़ने के कारण जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा पे हमें प्राप्त होती है। दूसरा है स्ट्रेन। स्ट्रेन के कारण किस प्रकार का इफ़ेक्ट होगा, देखिए यहाँ से अगर हम इस तरफ चलें तो रिंग के अंदर कार्बन की संख्या कम होती जा रही है। जैसे इसमें रिंग के अंदर कार्बन की संख्या 7 है, इसमें 6 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है। तो 3 वाले के रिंग में स्ट्रेन यानी तनाव ज़्यादा है, तो तनाव ज़्यादा होने के कारण जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो भी ज़्यादा होगा। हाइब्रिडाइजेशन होगा वो एस कैरेक्टर की तरफ ज़्यादा होने के कारण IR में इसके अवशोषण की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। ये वाला एग्जाम्पल कई बार कोटक यूनिवर्सिटी के एग्जाम में हमें आया हुआ है कि रिंग अगर छोटी है तो यानी रिंग में कार्बन की संख्या कम है तो बंद कोण भी इसका कम होगा और इसके अंदर एस कैरेक्टर आएंगे। एस कैरेक्टर ज़्यादा आने के कारण इसमें IR अवशोषण स्पेक्ट्रा की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो आप देखिए इससे इस तरफ जाने पर बढ़ रही है, इसमें 1705, इसमें 1715, 1750, 1775 और 1815। तो कंटिन्यू लगातार अगर हम इस तरफ जा रहे हैं तो बढ़ रही है। स्ट्रेन इफेक्ट के बाद अगर हम हाइड्रोजन बंद को स्टडी करना चाहें तो हाइड्रोजन बंद होने और हाइड्रोजन बंद नहीं होने से क्या प्रभाव होगा। देखिए एक गैसीय स्पेक्ट्रा है, गैसीय स्पेक्ट्रा में हाइड्रोजन बंद नहीं पाया जाता जबकि लिक्विड अवस्था में हाइड्रोजन बंद ईजिली पाया जाता है। तो गैसीय अवस्था में जब हाइड्रोजन नहीं पाया जाएगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो सिंगल बंद है ये तनन कंपन शो करेगा, और तनन कंपन शो करने के कारण 3400 सेंटीमीटर की घात -1 पे हमें एक ब्रॉड पीक प्राप्त होगी। लेकिन अगर हाइड्रोजन बंद बन जाता है, जैसे कि इसमें हाइड्रोजन बंद अगर ये बन जाता है तो हाइड्रोजन मुक्त अवस्था में नहीं रहता, हाइड्रोजन मुक्त अवस्था में नहीं रहता तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो सिंगल बंद है वो तनन कंपन शो नहीं कर पाता है। तो OH ग्रुप में हाइड्रोजन की तनन कंपन के लिए अवशोषण बैंड की फ्रिक्वेंसी IR स्पेक्ट्रा में प्राप्त नहीं होती है। ये बात समझ में आई स्टूडेंट आप लोगों को कि हाइड्रोजन बंद को ज्ञात कर सकते हैं हम IR स्पेक्ट्रो के द्वारा। हाइड्रोजन बंद है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो सिंगल बंद है उसमें इजीली तनन कंपन नहीं हो पाएगा, और अगर हाइड्रोजन बंद नहीं है जैसे कि कंपाउंड गैसीय अवस्था में है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच जो सिंगल बंद है वो इजीली तनन कंपन शो करेगा। ठीक है। तो आज हम
आपको यहीं तक बताएंगे। ये पीडीएफ मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी, वहाँ से आप ले सकते हैं। आप लोगों को इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया हो या कोई क्यूरी हो या बुक में कोई ऐसा एग्जाम्पल हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो उसकी फ़ोटो खींच के आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हैं। मैं उसका आंसर बना के आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही रिप्लाई भेज दूँगा, है ना। होपफुली आपको पसंद आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।